हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, हाजिर हूँ। करंट एनर्जी अभी इस वक्त की क्या है आपके पर्सन की, तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है मेरी रीडिंग्स, सबके लिए होती है, जर्नल रीडिंग होती है। और आपने क्या करना है, अगर आपके साथ एनर्जीज मैच करती हैं तो आपने उसको पिक करना है, अगर नहीं करती है तो उसको वहीं छोड़ देना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना अपने ऊपर। ओके, तो आपने क्या करना है, अगर आप पहली दफ़ा आए हो इस चैनल पर, अचानक से आपको ये रीडिंग मिली है, तो आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, बेल बटन भी दबाना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अब हम करेंगे स्टार्ट। जब मैं कार्ड्स शफल करूँगी तब आपने अपने पर्सन का नाम लेना है अपने नाम के साथ। ठीक है, और उनकी स्वीट स्वीट मेमोरीज लेके आनी है। तो देखते हैं क्या आता है यूनिवर्स। इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन के बारे में ध्यान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनकी करंट एनर्जी अभी इस वक्त की क्या है, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। अपने लिए प्रेयर ज़रूर किया करो, कोई भी वीडियो देखते हो, किसी की भी वीडियो देखते हो तो अपने लिए प्रेयर ज़रूर किया करो कि यूनिवर्स आपको सही गाइड मिल जाए, अपना जिसकी भी आप रीडिंग देखते हो उसका नाम लेकर। ओके, तो अब मैं कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं क्या आता है। आपके पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं, एक्शन कार्ड है, या न्यू ओपनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इस समय वो एम्परर की पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आप दोनों आप लोग ब्लॉक सिचुएशन में हो, टावर मूवमेंट चल रहा है, डिसेप्शन उनको मिला है कहीं से। अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। यस, दोनों एम्परर ही गिना जाता है, हेरोफेंट को भी। काफ़ी स्टबर्न नेचर के हैं, मे बी ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, या ये आपसे शादी करके न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके प्यार को अभी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। आपको बहुत प्यार करते हैं, याद करते हैं, डार्क साइड में है अभी। उनको किसी ने डिसेप्शन दिया है, पीठ पीछे किसी ने उनको चीट किया है, खंजर खोपे हैं, काफ़ी लो फील कर रहे हैं, या उन पर नेगेटिविटी बहुत हैवी है, डिप्रेशन। आपको कार्ड आई होप नहीं दिख रहे हैं। ओके, मैं करती हूँ अभी एडजस्टमेंट। काफ़ी स्लीपलेस नाइट है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशन में। ओके, मैं एक मिनट कार्ड ना एडजस्ट कर देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड, वाओ। ओके, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है किसी चीज़ को लेकर, वो जो स्टक थे, ठीक है, अभी वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वेट, मैं ना ये एडजस्ट कर दूँ, आई होप आपको दिख रहे हैं। काफ़ी नेगेटिविटी, डिसेप्शन को उन्होंने अभी फेस किया है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। जिनसे आप डील कर रहे हो वो टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो राशि के हो सकते हैं, ये साइन आपके भी हो सकते हैं। ओके, तो ओके, अभी आपके पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं। पहले जो उनको कन्फ्यूजन थी ना, अब वो क्लियर हो रही है, एक्शन लेना चाहते हैं। इनके अंदर की जो रूडनेस थी, जैसे एम्परर आया है, जो रूडनेस थी वो अब ख़त्म हो रही है। ईगो जो उनको रोक रही थी, अब वो उसको साइड करके फर्स्ट स्टेप आपकी तरफ लेना चाहते हैं। तभी आपके पर्सन आपकी तरफ एक नई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नेगेटिव साइड ख़त्म करेंगे और पॉजिटिव साइड की ओर आएंगे। नेगेटिव साइड कौन सी है, ये स्लीपलेस नाइट्स हैं उनकी, किसी ने उनको चीट करा है, इसलिए वो काफ़ी परेशान है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को जो नेगेटिव साइड है ना, उसको ख़त्म करके अब वो सरेंडर करेंगे यूनिवर्स के आगे। आपको अपना लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, तभी वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अभी आपका जो सेपरेशन फेज चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। ओके, डेथ कार्ड आया है, स्कॉर्पियो राशि है, तो आपके पर्सन के अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है,
यस, वो स्टेप लेंगे आपकी तरफ बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, ये इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। जो एम्परर की पोजीशन है ना, एक पत्थर दिल इंसान जो अभी इस वक्त वो बने हुए हैं, इस सिचुएशन से बाहर आके आपको अप्रोच करेंगे। आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। फाइव नंबर दो बार आया है तो फाइव नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन का बर्थडे हो, पता नहीं क्यों मैं अटक गई, फाइव डेट को हो सकता है, या पाँच महीने हो गए हैं आपको अलग हुए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन उनका वर्क भी हो सकता है, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिसके कारण उनको डिसेप्शन फेस करनी पड़े। तो आपके पर्सन की ये तो थी करंट एनर्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है और अपना खूब सारा ध्यान रखना है।